हेलो दोस्तों, मैं नायक नर्सिंग असिस्टेंट रामपुर 408 फील्ड हॉस्पिटल बटालिक जे एंड के से हूँ। मैं अभी इधर चंडीगढ़ कोर्स के लिए आया हुआ हूँ। मैंने भी एक बात सुनी है जो कि बीएसएफ का नौजवान है तेज बहादुर यादव, उसने जो भी खाने या अपनी बीएसएफ के बारे में या जो भी बोला है वो सही है और वो 100% सही है, क्योंकि वो बीएसएफ में ही नहीं बाकी के सेना के अंदर भी ऐसा ही है। खाने की हालत ही नहीं, खाना तो चलो देखा जाए खाने को तो जैसे जैसे मैनेज कर लेते हैं, बहुत कुछ गलत होता है। अब हम ही मान के चलो जैसे अगर हम 20 या 25 जवान छुट्टी जाते हैं तो हमको क्या यूनिट से गाड़ी लागू नहीं होती है क्या? हमको भी तो गाड़ी लागू होती है बट हमको गाड़ी नहीं दी जाती है। अगर एक फौज का लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर कोई भी अधिकारी छुट्टी जाता है तो उसको लेने के लिए ले जाने के लिए गाड़ी दी जाती है और साथ में एक बंदा दिया जाता है सामान उठाने के लिए स्टेशन तक छोड़ के आने के लिए और रेल या गाड़ी जहाँ पे भी वो जा रहे हैं उधर तक सामान रख के आने के लिए। क्यों? क्या देश के जवान के लिए ये सब कुछ लागू नहीं है? और जहाँ तक खाने की बात है तो मैं आप लोगों को बता दूँ, हमारा 1 लीटर के लगभग दूध आता है जिसमें से हम 2 टाइम की ही चाय पी पाते हैं, तो उसमें भी आधे से क्या 75% पानी रहता है, तो बाकी का दूध गया कहाँ? हमारा बहुत कुछ मीनू लागू है पर उस मीनू में से हमको केवल 35% 40 या 30 इतना ही मिलता है, बाकी का तो पता नहीं कहाँ जाता है। और ये मैं ही नहीं, सेना का हर जवान बोलना चाहता है पर बोले कहाँ, वो बोले कहाँ ये तो किसी को पता भी नहीं है। बहुत बहुत लोग ये सब कुछ बोलना चाहते हैं पर वो बोल नहीं पा रहे। और एक अगर सेना का जवान तबादला होता है, फैमिली रखता है, तो वो अगर क्वार्टर शिफ्टिंग करता है या क्वार्टर लेना चाहता है तो उसको क्वार्टर शिफ्टिंग के लिए जवान नहीं दिए जाते। एक अफसर अगर कोई भी है, लेफ्टिनेंट है या कोई भी है, उसको अगर क्वार्टर मिल गया या तबादला हुआ है तो उसको क्वार्टर शिफ्टिंग के लिए जवान दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अधिकारी है और एक जवान नहीं। ऐसा क्यों? आधी से ज्यादा फौज तो आधी से ज्यादा क्या कम से कम भी मैं बता नहीं सकता, बहुत से लोग तो कुत्ते घुमाने में ही लगे हुए हैं वो भी अधिकारियों के। और आप कहीं भी आप देख लेना पीस के अंदर ही, अगर चंडीगढ़ हो या दिल्ली हो या कहीं भी जहां पे सेना है वहां में आधी से ज्यादा जो फौज की गाड़ी है जो जिप्सी है उनमें उनकी फैमिलियां ही घूमती रहती हैं, जना की जवान उनकी फैमिलियां अगर ब्यूटी पार्लर जा रही है कहीं भी जा रही है तो उसको गाड़ी दी जा रही है। और एक जवान छुट्टी जा रहा है या घर पर कोई इमरजेंसी पड़ गई उधर छुट्टी जा रहा है तो उसको गाड़ी नहीं दी जा रही, आखिर ऐसा क्यों? ठीक है मैं मानता हूं कि मेस कटिंग 5 रुपए डे का लेते हैं, 10 रुपए ले लो पर खाना तो अच्छा दो ताकि जवान खा के कम से कम नए ड्यूटी या डे ड्यूटी कोई सी ड्यूटी है वो अच्छे से कर सके। और जो इस बीएसएफ के नौजवान ने जो बोला है वो सही है बिल्कुल। और यह मैं चाहता हूं कि यह वीडियो जो मैं दे रहा हूं ये भारत सरकार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह जी जो गृह मंत्री हमारे, हमारे रक्षा मंत्री पारिकर साहब, सभी तक पहुंचाया जाए, यहां तक कि हमारी मीडिया हमारे देश के हर जवान तक पहुंचाया जाए। ये अकेला हमारा मेरा दर्द नहीं है, ये पूरी सेना का दर्द है। तो मैं चाहता हूं कि इसको मेरे देश के जवान इसको आगे जितना भी हो सके शेयर करें। और जो भी इसने हमारा देश का बीएसएफ का जो जवान है उसने जो बोला वो सही है और मुझे जो भी लग रहा है उसकी जो जांच होगी वो आखिर में उसी के खिलाफ होगी। कभी भी इसका कभी भी जो भी जांच होगी वो इसके इसके खिलाफ ही होने वाली है, मुझे पता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इसके साथ कुछ गलत ना हो।
और मुझे जहाँ तक मेरा जहाँ तक अंदाजा है इसके साथ गलत ही होगा, और इसने जो बोला वो सही है, और मैं इसके साथ हूँ हर जगह हर टाइम, मैं इसके साथ हूँ और मैं इसका साथ दूंगा। तो इसलिए मेरी अपने देशवासियों से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। हो सकता है तो मैं दोबारा फिर मिलूंगा जल्दी दूसरी वीडियो के साथ।